उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई, जिसका प्रमाण है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया को गठबंधन को 11 सीटें मिली, भाजपा को नकार दिया, बजट के आस लगाई बैठी जनता को निराश का हाथ लगी है तथा मेरे विधानसभा क्षेत्र उदरवाटी के साथ भेदभाव किया गया है। सभापति महोदय, मैंने बजट के सारे पन्ने पलट लिए लेकिन उदरवाटी का नाम कहीं भी नहीं मिला। इस तरह भेदभाव से त्रस्त विधानसभा के सभा के लोगों मुझे कहा कि उदरवाटी के साथ कैसा भेदभाव, ये गलत है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल का गंभीर संकट है तथा पीने के पानी में अत्यधिक फ्लोराइड है, कारण के बहुत गहरे भी पानी मिलता है, कोई नीतिगत फैसला नहीं है। सभापति महोदय, पेयजल की शुद्धता का उदरवाटी के लोगों का अधिकार और हक, इस संबंध में लोकतंत्र में इस मंदिर में फैसला नहीं होना निराशाजनक है। सभापति महोदय, पीने के पानी को लेकर सरकार गंभीर है। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में हर घर नल योजना का जिक्र किया गया, जब जल जीवन मिशन में उदरवट में जो खोदे गए कुएं चलने से पहले सूख गए, इसी प्रकार से पीएचडी के भी सूख गए, तो ये डार्क जोन घोषित तो किया हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र है हमारे विधानसभा में, तो पानी की नीचे पानी नहीं मिल रहा है, बहुत गंभीर समस्या है वहाँ। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जब तक बाहर से पानी नहीं आएगा तब तक पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। पिछली गहलोत सरकार ने कुंभाराम लिफ्ट योजना के अंतर्गत 1100 करोड़ रुपए दिए, टीएस हो गए, एफएस हो गया, इवन देन टेंडर हो गए, केवल वर्क ऑर्डर जारी करना है। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी वर्क ऑर्डर जारी हो, जिससे हमारे इस क्षेत्र के में पानी की समस्या भी हल हो सके, सरकार की मनसा भी पूरी हो सके। महोदय, 6 महीने कैसे निकाले, मैं सोचता हूँ ये जरूर है कि वहाँ के प्रशासन ने मदद की, कि 6 महीने निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था हर। और अध्यक्ष सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया, इस रिजर्व क्षेत्र में अरावली की पहाड़ी का क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में की बड़ी जनसंख्या के आजीविका निर्भर करती है, लकड़ी पथरियाँ पशु चारण की सुविधा हर इस क्षेत्र में उपलब्ध है, लेकिन इस रिजर्व में बिना किसी नियोजन के लेफर्ड और अन्य हिंसक जानवर छोड़ दिए गए। जानवर रिजर्व क्षेत्र के बाहर आसपास के ग्रामीण बस्ती गाँव में अगर पालतू जानवरों का शिकार कर किसानों और आमजन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मान्य मेरे क्षेत्र में लोगों के इतने खौफ में है कि जानवर पालना और पशु चराना ही छोड़ दिया है, अतः इस संबंध में उचित कार्रवाई योजना बनाई जाने की अगर निवेदन है, लेकिन विधानसभा को इस बजट में निराश हाल लगी है, इस संबंध में कोई ठोस प्रावधान नहीं है तथा अब मेरे इस क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं मांग करता हूं कि आप पूर्व बजट में मेरे क्षेत्र का ध्यान रखें और इसमें कई पालतू जानवरों को मार दिया, उनका कई वो इसमें और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शिकायत भी दर्ज हुई है, उन लोगों को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला, उस मुआवजे के लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। महोदय, उदरवाटी हेडक्वार्टर पर उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थापित किया जाए ताकि क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर पालना सरकार करोगे, आम जनता को राहत मिल सके। मेरी विधानसभा क्षेत्र में चौरा गांव जो 10 पंचायतों का केंद्र बिंदु है, वहाँ कोई शिक्षा का बड़ा वो नहीं है और पंचायत मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए युवाओं के लिए उसी दिन में सुविधा होगी। गहलोत साहब ने द्वारा स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय उदरवाटी नवीन भवन बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी कॉलेज पुराने भवन में चल रहा है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि उस भवन में संचालित करने के लिए आदेश प्रदान करें और अतिरिक्त विज्ञान संकाय खोलने का के लिए ध्यान आपको निवेदन कर रहा हूँ। फरवरी 2023 को हमारे उदरवाटी विधानसभा क्षेत्र में पाले से फसल खराब हो गई थी, गिरदारी हुई, सारा काम हो गया और उसके बाद में 40% लोगों को उसमें मुआवजा मिल गया, लेकिन अभी 60% लोग कोई इसमें कोई मुआवजा नहीं मिला है। सरकार से निवेदन करता हूं कि बाकी बचे लोगों को मुआवजा दिलाया जाए। उदरवाटी उपखंड सिविल न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय स्थापित है, उक्त स्थान पर ADJ न्यायालय स्थापित कर दिया जाए तो पीड़ित लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी। सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र के उदरवाड़ी क्षेत्र में ट्रोमा सेंटर विभिन्न प्रकरणों के जांच के लिए मशीनों हेतु कोई ऑपरेटिंग बजट स्वीकृत नहीं है। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ट्रोमा सेंटर बनकर तैयार हो गया है, उसमें जो भी संसाधन है वो मिल जाए तो उदरवाड़ी को बड़ी सौगात मिल सकती है।
मेरे यहाँ 4 CAC हैं, उनमें बड़ागा और पोंख में अभी तक कोई विशेषज्ञ के डॉक्टर नहीं है। मेरे को तो यहाँ तक संज्ञान में आया है कि मेरे पोंख में तो डॉक्टर भी महीने महीने भर तक सभापति अध्यक्ष महोदय है, 7 मिनट हैं आपके अध्यक्ष महोदय है, मैं ये कह रहा हूँ कि महीने महीने भर तक डॉक्टर नहीं आते, पता नहीं कौन साइन करता तनख्वाह उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी विडम्बना है महीने भर तक, ये आए हैं मेरे संज्ञान में, जाँच का विषय है। इसी के साथ में उत्तरवर्ती चिकित्सा को जिला से उपस्थान में क्रमबद्ध किया जाए। मड़कसास एक गांव है जहाँ 20 जगहों का सेंटर है, वहाँ पर CAC खोलने के लिए लोगों की डिमांड है, सरकार को इस तरह भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और मैं आपने मुझे जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद।